हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने चैनल से रिलेटेड जो है कुछ बातें बताना चाहता हूं जो अभी तक मुझे भी नहीं पता था। दरअसल दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से भाइयों को पता है कि मेरा जो चैनल है वो हैक हुआ था लास्ट मंथ में, मतलब अगस्त मंथ में जो है मेरा चैनल हैक हुआ था और चैनल मेरे पास में नहीं था और हैकर ने जो है किसी और को वो चैनल जो है सेल कर दिया था ईबे साइट पे। ये मुझे पता चला अपने ईमेल पे जब उस बंदे ने अपने वीडियो जो विदिशा बोल के कोई चैनल क्रिएट किया था तो उस पर मैंने कमेंट किया था और लिखा था उनको, उसको कमेंट में लिखा था कि ये चैनल मेरा है और कैसे आपने ये चैनल को मतलब कैसे पाया, तो इस तरह से कमेंट लिखा था। तो उन्होंने जो है कमेंट का रिप्लाई जो है मुझे मेल पे दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ईबे साइट पे उन्होंने जो है इस चैनल को परचेस किया है और जिसने उसे बेचा है तो उसका कहना था कि वो चैनल उसका था। तो ऐसा कुछ मसला था, मेरा चैनल हैक हुआ था और मेरा चैनल जो है हैकर ने किसी और को बेच दिया था ईबे साइट पे। और इसके बाद जो है दोस्तों, उसने जिसने इस चैनल को परचेस किया था उसने अपना चैनल आईडी वगैरह सब सारा चीज़ जो है लोगो वगैरह सब चेंज करके मेरे चैनल के सारे वीडियोस को रिमूव करने के बाद अपना वीडियो वगैरह जो है वो अपलोड किया था। तो इससे पहले से ये जो हमने यूट्यूब को जो है मेल किया हुआ था हमारा चैनल, जब मेरा जब आईडी वगैरह भी डिलीट हो गया था हमने अपना आईडी रिकवर किया और उसके बाद में मेल को जो है हमने यूट्यूब को जो है हमने मेल किया था और कुछ प्रोसेस में हमको महीने भर का टाइम लग गया और उसके बाद में यूट्यूब ने जो है हमारा चैनल वेरीफाई करा कि हाँ रियली हमारा चैनल जो है वो हैक हुआ है। और बाद में जो है यूट्यूब ने हमें अपना मेरा चैनल जो है वापस दे दिया और सारे जो वीडियो डिलीट हुए थे वो धीरे धीरे करके जो है हमारे चैनल का वापस आ गया। इस वजह से दोस्तों हमारे अभी जो रिसेंट वीडियो जो भी मैंने अपलोड किया है तो शायद यही एक वजह हो सकता है कि आप लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन शायद नहीं जा रहा है। तो ये गुजारिश करूँगा कि आपने अगर बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो उसको जो है नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है तो उस पर जो है मुझे कोई भी कॉमेंट नहीं आ रहा था, तो इस चीज़ का जो है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई पहले आप लोगों का बहुत प्यार मिलता था, कोई भी वीडियो डालता था तो कमेंट उस पर आता था, मगर अभी ऐसा क्या हुआ। रिसेंटली मैंने जब से मेरा चैनल वापस आया है तो मतलब एक भी वीडियो पे एक भी कमेंट नहीं है। तो इसी टॉपिक पे मैंने अपने भाई से भी बात किया था कि भाई मतलब मोहम्मद आलम भाई से हमेशा मैं जो है कांटेक्ट में रहता हूँ, उनसे मेरा बातचीत चलते रहता है, तो उन्हीं को मैंने बताया था कि भाई कमेंट आजकल कोई कर नहीं रहा है। उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा अपना सेटिंग वगैरह चेक करना ज़रूरी था क्योंकि एक चीज़ और भी हुआ था कि जैसे मैं कोई भी लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था तो डिस्क्रिप्शन में जो है ऑटोमेटिक वो उनका जो पुराना जो पहले जो जिन्होंने चैनल लिया था तो उनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाता था, तो उसको भी मैंने जो है सही किया था। फिर मुझे डाउट आया कि चलो हाँ कमेंट का कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और उसके बाद मैं यूट्यूब में जब हमने सेटिंग में देखा तो सेटिंग में भी जो जितने कमेंट थे उसको जो है हाइड करके रखा हुआ था या फिर उसको जो है वेरिफिकेशन जैसा होता है ना, आप अगर कोई स्पैम कमेंट करते हैं तो वो रिव्यू के लिए रह जाता है स्पैम के फोल्डर में। तो जो पहले जिसने जो चैनल लिया था तो वो सारा सेटिंग करा था ताकि कोई उस चैनल पे कमेंट ना करे और कमेंट करे भी तो वो शो ना हो। तो सारा कुछ जो कुछ भी हुआ था, चलिए मैं आपको सिस्टम में ले चलता हूँ और आपको मैं पूरा जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या हुआ था और किस तरह से आप लोगों का बहुत प्यार था, कमेंट था और उस कमेंट का जो है मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। तो चलिए हम अपने पीसी स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, हम अभी जो है अपने पीसी स्क्रीन पे हैं और मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और अपना यूट्यूब चैनल जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ से जो है हम यहाँ जाएंगे अपने यूट्यूब स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो बेटा, तो यूट्यूब स्टूडियो बेटा में आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से मैं जो है इसको क्लासिक में कर देता हूँ तो हम जो है क्लासिक पे अपने चैनल को देखेंगे और यहाँ से मैं वीडियो में चला जाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए मेरा जितना भी वीडियो है यहाँ पे कमेंट हर किसी में कमेंट जीरो है, यानी कि
मेरा जो कमेंट है, आपने अगर कमेंट किया भी है तो वो सारा जो है जीरो है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, एक मिनट, हाँ, तो अपना चैनल जो है यहाँ तक जो है, सो गाइस अपना जो चैनल है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो इस वीडियो से जो है, इस वीडियो के बाद जो है मेरा चैनल वापस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ही डाल लिया था कि माय चैनल एक्शन का रिएक्शन इज़ बैक। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा जानकारी दिया नहीं था कि क्या है, क्योंकि मैंने YT सपोर्ट इन हिंदी जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने बताया था। हालांकि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, तो आप लोगों को भी शायद पता नहीं चला होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी आप वीडियो देखिए, हर वीडियो में मैंने जिसने जिस वीडियो में भी डाला है, तो 0 0 0 0, तो मेरे को ये लगने लगा था कि क्या बात है भाई, आजकल मतलब कोई वीडियो पे कमेंट ही नहीं आ रहा है यार। जो भी वीडियो, अरे कुछ पहले का वीडियो में कोई ना कोई मतलब डालते ही तो आप लोगों का कमेंट आ ही जाता था, 2 4 5 10 कुछ भी आ जाता था, मगर आ नहीं रहा है। तो उसके बाद मैं जो है यहाँ से हम जाएंगे फिर चैनल पे, ठीक है। चैनल पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे चैनल पे, तो सॉरी चैनल पे नहीं, कम्युनिटी में जाएंगे। तो यहाँ से हम कम्युनिटी में जाएंगे और यहाँ पर हम कमेंट देखेंगे। तो कमेंट यहाँ पर भाई आप लोग देखिए, यहाँ पर ये मेरे कुछ वीडियो में है, जो 2 3 वीडियो है, तो इसी पे ही मतलब मेरा कमेंट आया है 2 3 वीडियो। और इसके अलावा जो है हेल्प फॉर रिव्यू, तो यहाँ देखिए 152 कमेंट जो है वो मेरे अभी होल्ड पे है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरे देखिए जितने भी वीडियोज़ हैं इस पे जो है आपका कमेंट को या जो है होल्ड पे रखा गया है रिव्यू के लिए। तो ये मैंने नहीं किया है भाई, ये मेरा जो चैनल हैक हुआ था, तो जिसने भी चैनल मेरा जो लिया था तो उसी ने जो है ये किया है। तो यहाँ देखिए इतने सारे कमेंट, और मुझे जो है मतलब पता ही नहीं था कि मेरा जो कमेंट भी जो है वो सारा कमेंट जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी कि रिव्यू पे रखा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे भाइयों ने जो है मुझे मतलब बहुत सारे कमेंट जो है, 152 कमेंट मतलब मायने रखता है यार। मैं जो सोच रहा था कि कोई भाई भी मतलब शायद मुझे भूल गया या क्या, ऐसा सोच रहा था, मगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है था, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले टाइम में भी आप लोगों का जो प्यार है मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो भाई यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं आप सबका जो है कमेंट जो है मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ गौरव जो साकिया भाई हैं उनका भी कमेंट है, MS गेमर प्रो उनका है, आमिर मंसूरी भाई उसका, S सीरीज, ठीक है। तो SK टेक, यहाँ आप देख लीजिए भाई सबका कमेंट है। और मैं जो है आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया, तो इस चीज़ को जो है मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो शायद मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के साथ मतलब कमेंट का रिप्लाई दे पाता। तो खैर अब जो है मुझको इन सारे कमेंट का जो है अलाउ करना पड़ेगा, और आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो में डालूँगा, इस वीडियो में भी जो है मैं जो कोशिश करूँगा कि आपका जो कमेंट है वो मेरे तक पहुँचे और मैं आप लोगों का जो है हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। तो यही था यार वीडियो कि क्यों मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो आप समझ सकते होंगे। तो फिर से जो है मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाया, मगर अब जो है इसको सारे को जो है मेरे को अलाउ करना पड़ेगा। तो सारे को अलाउ करने के बाद मैं हर आप लोगों का जो है कमेंट का रिप्लाई अब दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो से जो जो मैं जो कहना चाहता था आपने समझ गया हो, समझ लिए होंगे कि जो मैं आपको कहना चाहता था कि क्यों मेरे पास जो है कमेंट नहीं आ रहे थे, और क्यों मैं जो है आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो लेट्स होप दोस्तों कि आने वाले वीडियो में ये सा अब नहीं होगा, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार आने वाले टाइम में भी रहेगा। और आने वाले टाइम में जो है मैं कुछ और अलग करना चाहता हूँ, तो आप लोगों का यूँ ही जो है आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आज की वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।